आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट कैसे बनाते हैं, इसी के बारे में आज हम यहां पे बताएंगे। जो भी आपके पास डिजिटल प्रोडक्ट हो आप उसे सेल कर पाएंगे। तो दोस्त मेरा नाम रंजन कुमार है और आप देख रहे हैं उरुवेब। तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्त आप डेमो देख लीजिए कि हम लोग किस तरह की वेबसाइट बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्त आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट को ओपन कर रखा है जो कि ये ई कॉमर्स वेबसाइट है। इसी को हम लोग कस्टमाइज करके यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट बनाने वाले हैं। अब यहाँ पे इसका इस वेबसाइट का आप पूरा डेमो देख लीजिए। यहाँ पे कुछ इस तरह का वेबसाइट होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो फिजिकल प्रोडक्ट लिस्ट है, हम लोग यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे। यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट होगा सारे चीज हम लोग यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट लिस्ट करने वाले हैं। तो दोस्त आप देख लीजिए इस वेबसाइट का डेमो। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट है, ये मान लीजिए कि आपका डिजिटल प्रोडक्ट है, यहाँ पे टी शर्ट दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका जो भी डिजिटल प्रोडक्ट हो आप उसे लिस्ट कर सकते हैं। लिस्ट करने के बाद दोस्त यहाँ पे कुछ इस तरह का यहाँ पे चेकआउट पेज मिलेगा। जैसे दोस्त आप देख रहे हैं यहाँ पे मतलब प्रोडक्ट व्यू पेज है, और यहाँ पे जो भी यूजर आएगा यहाँ पे कार्ट में ऐड करेगा जो भी आपका डिजिटल प्रोडक्ट होगा, और उसके बाद यहाँ पे चेकआउट करेगा। चेकआउट के पे क्लिक करने के बाद दोस्त आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे तीन स्टेप में यहाँ पे चेकआउट का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे चेकआउट करे आएंगे। यहाँ पे जो भी ये फॉर्म है, इस फॉर्म को हम लोग इसमें सिर्फ नाम और ईमेल आईडी और आप फोन नंबर लेंगे, बाकी सारे यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जो फील है ये सारे को हम लोग रिमूव कर देंगे। तो ये सब कैसे करते हैं इस वीडियो में हम सारी चीज बताएंगे। तो दोस्त आप इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। अभी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए, डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट बनाने के लिए दोस्त अपने पास दो चीजें होना चाहिए। सबसे पहले डोमेन नेम होना चाहिए। जिस भी नाम से आप चाहते हैं कि डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट बनाना, तो उस नाम को अपने को ऑनलाइन रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। तो ऑनलाइन रजिस्टर करने के लिए दोस्त आपको जो डोमेन नेम होता है फ्री में मिल जाता है। उसके बाद दोस्त आता है अपने को होस्टिंग। होस्टिंग अगर आप गूगल पे सर्च मारेंगे तो बहुत सारी ऐसी कंपनी मिल जाएगी जहां पे आपको ऑनलाइन होस्टिंग मिल जाएगा, और कम में भी मिलेगा, महंगा भी मिलेगा, सर्विस भी अच्छा मिलेगा, सबका सर्विस अच्छा मिलेगा। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन अगर आप चाहेंगे तो दोस्त मैं आपको बताऊंगा कि होस्टिंगर से बाय कीजिए। आप गूगल पे सर्च कीजिए hostinger.in, और उसके बाद उस वेबसाइट पे आने के बाद आप वहां से होस्टिंग बाय कर सकते हैं। तो दोस्त यहाँ पे मेरे पास होस्टिंगर मैंने वहां पे ओपन करके रखा है। तो यहाँ पे आपको आना है इस वेबसाइट पे, और इस वेबसाइट पे आने के बाद दोस्त आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे तीन प्लान दिखेगा, लेकिन आप यहाँ पे चौथा प्लान भी देख पाएंगे। आप होस्टिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वेब होस्टिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चौथा प्लान भी इनका दिख जाएगा, जो कि यहाँ पे 69 रुपए के हिसाब से आपको मिल जाएगा यहाँ पे होस्टिंग। लेकिन यहाँ पे 69 रुपए के हिसाब से अगर आप होस्टिंग बाय करते हैं तो यहाँ पे आपको मात्र एक वेबसाइट होस्ट करने को मिलता है, और यहाँ पे 50 GB SSD मिलता है, साथ में आपको 100 GB बैंडविड्थ मिलता है, और यहाँ पे आपको डोमेन नेम जो है फ्री नहीं मिलेगा। लेकिन अगर दोस्त आप यहीं पे अगर दूसरा प्लान बाय करते हैं इनका 139 वाला तो इसमें आपको दोस्त 100 वेबसाइट होस्ट करने को मिल जाएगा, साथ में 100 GB SSD मिलेगा, वीकली बैकअप मिलेगा, और साथ में यहाँ पे आपको डोमेन नेम भी फ्री मिल जाएगा। अगर आप डोमेन नेम सिर्फ बाय कीजिएगा तो आपको डोमेन नेम ही 1000 रुपए का समथिंग पड़ जाता है। तो दोस्त ये सेकंड वाला प्लान बाय कीजिएगा, इसमें आपको डोमेन नेम फ्री मिल जाता है। साथ में आपको मान लीजिए कि फ्यूचर में चल के एक आधो और वेबसाइट बनाते हैं तो भी वेबसाइट इस पर होस्ट कर पाएंगे, आपको अलग से होस्टिंग बाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए दोस्त मान लीजिए कि यहाँ पर आपने इसको एड टू कार्ट कर पे क्लिक कर दिया। अगर दोस्त मान लीजिए कि अगर आपने आपको यही होस्टिंग बाय करना है तो आपको क्या करना है कि आप देख लीजिए यहाँ पे 111 रुपया हो गया, वहाँ पे 139 रुपया था। अब इसके लिए दोस्त आपको क्या करना होगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक हम लिंक दे देंगे, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तभी जाके आपको 20% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पे अब यहाँ पे देख लीजिए कि 139 रुपया था, यहाँ पे 111 रुपया हो गया है। अब इसलिए हुआ है, नीचे में आइएगा तो दोस्त आप देखिएगा कि यहाँ पे 20% का आपको एडिशनल डिस्काउंट मिला है। एडिशनल डिस्काउंट के लिए दोस्त आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके बाय करेंगे तभी दोस्त आपको ये जो 20% का एडिशनल डिस्काउंट है तभी मिलेगा। आप डायरेक्ट अगर गूगल पे सर्च करके बाय करेंगे तो आपको ये जो 20% का एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा है ये नहीं मिलेगा आपको। इसके लिए दोस्त आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक हम लिंक दे देंगे जहां पे आपको 20% का एडिशनल कूपन मिल जाएगा। कूपन नहीं मिलेगा, जो लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट कूपन अप्लाई हो जाता है, यहां पे आपको कूपन कोड डालने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां पे जो 48 महीने का प्लान है तो 111 रुपये के हिसाब से पड़ेगा, जो कि 48 महीने का प्लान यहाँ पे 6200 रुपये का पड़ेगा। और मान लीजिए कि दोस्त आपके पास इतना बजट नहीं है तो दोस्त आप मिनिमम जो होस्टिंग बाय करेंगे तो आप 24 महीने के लिए होस्टिंग बाय कीजिए। 24 महीने का बाय करने का ये फायदा होगा कि आपको 24 महीने के बाद जो रिन्यूअल प्राइस होगा आपका 339 रुपये के हिसाब से होगा। अगर आप 1 ईयर के लिए बाय करेंगे तो आपको 3 साल के बाद 379 रुपये के हिसाब से आपका रिन्यूअल प्राइस होगा। मान लीजिए दोस्त आपके पास होस्टिंग पहले से है और आपका रिन्यूअल डेट आ चुका है, तो दोस्त अगर आप रिन्यू करने जाएंगे तो आपका जो कॉस्ट जो होगा ज़्यादा हो जाएगा। तो दोस्त ऐसा कीजिएगा कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है ना, उस लिंक पर क्लिक करके आप होस्टिंग बाय कर लीजिएगा, आपको उसमें 20% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। और जो माइग्रेशन जो करना होगा ना, दूसरे आपके होस्टिंग पे से होस्टिंगर टू होस्टिंगर जो माइग्रेट करने का जो काम होगा
वो आप हमें दे दीजिएगा, हम थोड़ा बहुत पैसा लेते हैं उसके बाद हम आपका ये काम कर देते हैं, लेकिन आपका यहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा बच जाएगा। आप रिन्यू करने जाएंगे तो आपको पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, और यहाँ पे न्यू होस्टिंग लेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है। मान लीजिए दोस्तों, अगर आप 24 महीने का ही प्लान बाई कर रहे हैं तो 24 महीने का जो प्लान होगा यहाँ पे 4000 के समथिंग आएगा, यहाँ पे 20% डिस्काउंट लेने के बाद। तो दोस्तों यहाँ से आप होस्टिंग बाई कर लीजिएगा, उसके बाद दोस्त आपको यहाँ पे डोमेन नेम आपको फ्री में मिल जाएगा जो कि आप यहाँ पे क्लेम कर पाएंगे। उसके बाद दोस्त आपको क्या करना है कि होस्टिंग करके डैशबोर्ड में चलना है। डैशबोर्ड में आने के बाद चलिए हम अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड में चलते हैं। अब दोस्त होस्टिंग करके जो डैशबोर्ड है ना उसके अंदर आने के बाद में यहाँ पे मैं डायरेक्ट डोमेन को ओपन कर रखा हूँ जिस डोमेन पे हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना होता है। नीचे आने के बाद दोस्त आपने को यहाँ पे क्या करना है, इंस्टॉल अनदर वर्डप्रेस का ऑप्शन आ रहा है, इसलिए आ रहा है कि मैं पहले से इस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करके रखा हूँ इसलिए ये ऑप्शन आ रहा है। आपके केस में डायरेक्ट वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा। तो दोस्त अपने को यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्त यहाँ पे अपने साइट का नाम, जो भी आप नाम रखना चाहते हैं उस नाम को यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए, जिस ईमेल आईडी और यहाँ पे जो यूजर नेम बनाएंगे ना उसी से आप आगे चल के अपनी वेबसाइट को लॉगिन कर पाएंगे। तो आप अपने को यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना है, जिस पासवर्ड को क्रिएट करेंगे उसी पासवर्ड को डाल के आप आगे चल के लॉगिन कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे पासवर्ड हम लोग कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको पासवर्ड जो है ना कॉम्बिनेशन के साथ डालना होता है। उसके बाद अपने को यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना जो वर्डप्रेस है यहाँ पे इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे इंस्टॉल भी हो चुका है। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है कि एडमिन पैनल पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे एडमिन पैनल पे क्लिक करने से ये होगा कि अपना जो वर्डप्रेस का जो अपने वेबसाइट का जो डैशबोर्ड होगा ना वो ऑटो रिडायरेक्ट होकर लॉग इन हो जाएगा। अब दोस्त आप देख पा रहे हैं जो अपनी वेबसाइट का डैशबोर्ड है यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब अपने को यहाँ पे सबसे पहले सेटिंग्स पे आना होता है और यहाँ पे जनरल सेटिंग्स पे क्लिक करना होता है। जनरल सेटिंग्स का हम लोग पहले सेटिंग करेंगे, उसके बाद हम लोगों का दूसरा सेटिंग्स हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे जनरल सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने साइट का टाइटल आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे टैगलाइन आ जाएगा, जो भी आप टैगलाइन बनाना चाहते हैं वो डाल दीजिए। उसके बाद दोस्त अपने को क्या करना है कि यहाँ पे एनीवन कैन रजिस्टर्ड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्त यहाँ पे अपने को टाइम जोन आता है तो यहाँ पे +530 भी कर सकते हैं, या तो आप एशिया पे जाके यहाँ पे एशिया के अंदर आना है और यहाँ पे कोलकाता को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हम लोग एशिया के अंदर आते हैं और यहाँ पे कोलकाता हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे कोलकाता एसओ मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे टाइम फॉर्मेट भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेव चेंजेस पे आप क्लिक कर दीजिए। इतना काम करने के बाद दोस्त अपने को यहाँ पे परमालिंक्स पे क्लिक करना है। परमालिंक्स पे क्लिक करने के बाद दोस्त यहाँ पे अपने को पोस्ट नेम पे आना है और इसके बाद यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। अब इतना करने के बाद दोस्त अपने वेबसाइट का होम पेज को हम लोग विजिट कर लेते हैं कि हम लोगों का होम पेज जो है किस तरह से दिख रहा है। तो दोस्त अभी आप देखेंगे जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे वर्डप्रेस का जो थीम होता है यहाँ पे इंस्टॉल होता है 2024। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस है। तो हम लोग इसको इंटरफेस को चेंज करने के लिए दोस्त अपने को वर्डप्रेस का जो थीम है उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग थीम्स पे आएंगे, हम लोग जो थीम इंस्टॉल करेंगे वो फ्री वाला थीम होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग थीम को इंस्टॉल कर लेते हैं। अब इसके बाद दोस्त अपने को यहाँ पे ऐड न्यू थीम पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपने को सर्च कर लेना है होस्टिफाई। यहाँ पे कुछ इस तरह से WOSTIFY आपको सर्च कर लेना है। यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे जो इसका थीम है यहाँ पे अपने को देखने को मिल जाएगा। अब इस थीम को हम लोग इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पे टॉप में देखेंगे तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। एरर इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे Hostinger AI का जो प्लगइन है ना वो एक्टिवेट नहीं है, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों को Hostinger वाला प्लगइन को एक्टिवेट कर लेंगे तो ये एरर यहाँ से खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे इस प्लगइन को जो थीम है हम लोग इस थीम को हम लोग यहाँ पे एक्टिवेट कर देते हैं। अब इस थीम को एक्टिवेट करने के बाद दोस्त अपने को यहाँ पे होस्टिफाई जो ऑप्शन आ रहा है ना इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्त कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आता है। यहाँ पे अपना लोगो चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे सेट कलर कर सकते हैं, लेआउट आपको यहाँ पे मिल जाता है और यहाँ पे आपको कुछ एडेंस मिल जाता है जो कि यहाँ पे जो प्रो फंक्शन है ना इस प्रो फंक्शन के लिए दोस्त आपको यहाँ पे मल्टीपल हेडर के लिए आपको दोस्त यहाँ पे प्रो इसका एडन अपने को इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे स्टिकी हेडर के लिए अपने को प्रो इसका जो हेडर है ना जो इसका प्रो एडन है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे मेगा मेन्यू आ जाता है, यहाँ पे एलिमेंटर बंडल आ जाता है जो कि प्रो के अंदर ही अपने को मिलेगा। तो इसका जो प्रो है ना अपने को यहाँ पे प्रो आप GPL में बाई कर सकते हैं। तो GPL में बाई करने के लिए दोस्त अपने को क्या करना है कि थीम राजा पे आ जाना है और यहाँ पे आपको होस्टिफाई आपको सर्च कर लेना है। तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे ना तो यहाँ पे इसका जो एडन है दोस्त आपको यहाँ पे एडन मिल जाएगा जो कि 149 रुपये में मिल जाएगा और आप इस 149 रुपये में बाई करके आप यहाँ पे उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्त आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 00 प्राइस हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे 599 का जो इसका मेंबरशिप है ना मैंने इस थीम राजा का यहाँ पे ले रखा है। तो यहाँ पे बहुत सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं जिससे आप यहाँ पे मेंबरशिप लेके आगे इसको सेल भी कर सकते हैं। तो सेल करने के लिए दोस्त आप यहाँ पे इसका मेंबरशिप ले लीजिएगा और यहाँ से डाउनलोड कीजिएगा और अपने वेबसाइट पे लिस्ट करके आप सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको एडन को यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं और आगे चल के इसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे डाउनलोड पे हमने क्लिक किया
और कुछ इस तरह से यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। और अपने वेबसाइट पे चलते हैं, अभी ये फिलहाल इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। अपनी वेबसाइट का जो होम पेज है, यहाँ पे अपने वेबसाइट के होम पेज में कुछ इस तरह का चेंजेस आया है, लेकिन अभी हम लोगों का जिस तरह का चेंजेस चाहिए उस तरह का भी ये देखने को नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे अपने को स्टार्टर साइट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपने को एक प्लगइन को इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे इंस्टॉल होस्टिफाई लाइब्रेरी का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो प्लगइन है ये इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है, यहाँ पे जो प्लगइन है यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब इस प्लगइन को यहाँ पे एक्टिवेट होस्टिफाई साइट लाइब्रेरी का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस अपने को देखने को मिल जाएगा। तो अब अपने को क्या करना है कि यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे कुछ ऑप्शन शो होगा, जैसे दोस्त आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे अपने को ये वाला जो मैंने जो आपको डेमो दिखाया था, ये वाला डेमो था, यहाँ पे बहुत सारे प्रो आपको टेम्पलेट्स मिल जाता है, जिससे कि हम लोगों को इसका प्रो बाय करने के बाद ही दोस्त यहाँ पे हम लोग प्रो टेम्पलेट को यूज़ कर पाएंगे। तो फिलहाल तो दोस्त हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं इस वाले टेम्पलेट को और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आता है इंस्टॉल प्लगइन का ऑप्शन। अब यहाँ पे आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि कितने सारे प्लगइन्स यहाँ पे इंस्टॉल होने वाले हैं। इतने सारे प्लगइन्स यहाँ पे इंस्टॉल होगा, वन बाई वन इंस्टॉल होगा, तो यहाँ पे हम लोग इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देते हैं। तब यहाँ पे प्लगइन इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। तो दोस्त आप देख पा रहे हैं कुछ प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, अभी यहाँ पे टाइम लग रहा है दोस्त ये जो प्लगइन है इंस्टॉल होने में। तो ये काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे जो प्लगइन्स है ना, यहाँ पे रिक्वायर्ड प्लगइन्स को हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट कर लेते हैं, आगे चल के हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। अब यहाँ पे इस स्टेप को हम लोग यहाँ पे स्किप कर देते हैं। इसके बाद दोस्त यहाँ पे हम लोग इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद दोस्त हम लोग यहाँ पे स्टार्ट इंपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे इंपोर्ट होना शुरू हो चुका है। तो दोस्त अभी आप देखेंगे तो 1% यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे क्या क्या चीज इंपोर्ट हो रहा है दोस्त आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे कंटेंट और विजिट्स और ऑप्शन और एफ्टर इंपोर्ट जो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे 3% हो गया। तो यहाँ पे 100% होने का हम लोग वेट करते हैं, उसके बाद आगे का स्टेप हम आपको बताएंगे। अब यहाँ पे दोस्त आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डन का मैसेज आ चुका है। तो आप अपने को यहाँ पे आप व्यू योर साइट पे क्लिक करके अपने साइट को चेक कर सकते हो, या तो अपना जो हम लोगों ने होम पेज को ओपन किया था उसे आप रिफ्रेश करके भी चेक कर सकते हो कि यहाँ पे जो हम लोगों ने डेमो कंटेंट को जो देखा था यहाँ पे इंपोर्ट हुआ है कि नहीं। तो दोस्त आपके सामने यहाँ पे है जो हम लोगों ने डेमो कंटेंट को देखा था, वो डेमो कंटेंट यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। अब अपने को इसके अंदर सिर्फ सेटिंग्स करना होता है, जो भी सेटिंग्स हम लोग करेंगे अपनी वेबसाइट को कस्टमाइजेशन के लिए करेंगे, वो सारी चीज़ हम आगे आपको स्टेप बाई स्टेप हम आपको बताएंगे। तो दोस्त अपने को कंटिन्यू इस वीडियो को देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पे अगर आप एक्स्ट्रा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टार्ट कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने से ये होगा कि अपने साइट का जो भी लोगो है बाकी चीजें को हेडर ऑर्डर को आप कस्टमाइज कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि दोस्त अगर आपको यहाँ पे साइट आइडेंटिटी का ऑप्शन मिलेगा तो यहाँ पे अपने साइट का जो भी टाइटल वाइटल होगा वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे लेआउट मिल जाएगा, जो कि साइट का डिजाइन वजन के अंदर कोई चेंजेस करना है वो आप वहाँ से कर सकते हैं, सिर्फ लेआउट। उसके बाद यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, जिससे कि आप यहाँ से कलर का सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि व्हाइट कलर है और यहाँ पे जो ब्लू वाला कलर है, तो ये आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बटन आ जाता है, बटन का भी आप कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो कि ये बटन का कलर है ना, ये बाय डिफॉल्ट ये दो कलर यहाँ पे दिया गया है, आप इसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग नीचे देखेंगे तो यहाँ पे अपने को टेपोग्राफी का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको हेडर का ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्त ये सारे चीज आप चेंज कर पाएंगे। तो अब मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग साइट आइडेंटिटी पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपका जो भी लोगो हो आप यहाँ पे अपना साइट का लोगो को अपलोड कर लीजिए। अब यहाँ पे जितने सारे ये इमेजेस आए हैं सारे डमी कंटेंट है, हम लोगों ने जिस साइट का डमी कंटेंट को इंपोर्ट किया था वो सारी चीज़ है। अब यहाँ पे अपने को अपलोड फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ से अपने साइट का जो भी लोगो है उस लोगो को हम लोग अपलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे अपने लोगो को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब आपका जहाँ पे भी लोगो हो आप उस लोगो को वहाँ से सेलेक्ट करके आप अपने को यहाँ पे इंसर्ट कर लेना है। अब इस वीडियो के अंदर मैं सारी चीज़ कवर करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी होगी, तो दोस्त आपको वीडियो को स्किप करके देखना हो तो स्किप करके देख सकते हैं, या कंटिन्यू देखना हो तो कंटिन्यू देख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे हम स्किप क्रॉपिंग पे कर देते हैं। इसके बाद दोस्त यहाँ पे रेटिना इमेज आ जाता है, जो कि आपके पास अगर कोई रेटिना साइट का लोगो बना रखे तो आप लगा सकते हैं। मैं मान लीजिए कि यहाँ पे ट्विटर का जो लोगो है उसको लगा लेता हूँ, या अपने साइट का ही लगा लेता हूँ, यहाँ पे क्रॉप इमेज पे करके मैं यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल वाला जो लोगो है तो आप यहाँ पे मोबाइल लोगो भी अलग से बना के लगा सकते हैं, जो कि ऑप्शनल है, या तो आपका जो एक लोगो होगा वही लोगो मोबाइल में भी दिखेगा। अब यहाँ पे लोगो का विड्थ भी सेट कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट जो होगा नहीं सेट करेंगे तो वो दिखेगा। अब यहाँ पे साइट का आइकन आता है, तो यहाँ पे देखेंगे साइट का आइकन, तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे चेंज करने के बाद दोस्त आपके पास जो भी साइट का आइकन हो आप उसे को लगा दीजिए। यहाँ पे क्रॉप कर सकते हैं, यहाँ पे विदाउट क्रॉप भी की आप लगा सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने विदाउट क्रॉप के ही लगा दिया। उसके बाद दोस्त आप यहाँ पे नीचे में देखेंगे तो ये सारे नीचे का जो भी कंटेंट है ना आप इसको कस्टमाइज कर पाएंगे।
अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे किसी साइट का रेफरेंस ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं एक साइट को ओपन कर लेता हूँ, उसी साइट का रेफरेंस ले लेता हूँ। अब यहाँ मैंने यहाँ पे एक साइट को ओपन किया, इसी साइट के रेफरेंस लेके हम लोग इस तरह की साइट बनाएंगे। तो यहाँ पे जो फुटर कंटेंट है मैं यहाँ से ले लेता हूँ डमी कंटेंट, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे अबाउट अस ले लेता हूँ, और यहाँ पे आप यहाँ पे अपना नाम साइट का दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे इस विजिट्स के अंदर आते हैं, और यहाँ पे जो कंटेंट है ना, इस जो नाम है आप अपने साइट का नाम भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे मान लो को अबाउट अस डाल दिया। उसके बाद ये जो कंटेंट है मैंने यहाँ से कंटेंट को कॉपी कर लिया। अगर दोस्त आप चाहते हो कि इस तरह की वेबसाइट हमसे बनवाना, तो दोस्त आप हमसे भी बनवा सकते हो इस तरह की साइट। और अगर हमसे बनवाते हो तो इस साइट को हम बनाते भी है और साथ में प्रोडक्ट भी ऐड करके दे देंगे। अगर आप इस तरह की वेबसाइट बनवाना चाहते हो तो इस साइट के ऊपर जितने भी प्रोडक्ट लिस्टेड है सारे प्रोडक्ट आपको हम अपलोड करके देंगे, अगर इस तरह की वेबसाइट अगर हमसे बनवाते हो तो। अब यहाँ पे मैंने चीज़ डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे सेकंड हम देखते हैं कि क्या ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन कुछ इस तरह से आ रहा है। तो आप अपने साइट का यहाँ पे URL डाल सकते हो, यहाँ पे सपोर्ट का आता है जो कि हर एक चीज़ को आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इतना काम कंप्लीट कर लिया है। अब ये सब जो लिंक है यहाँ पे हम लोग अपने जो अपने साइट का लिंक हम लोग बनाएंगे वो सब चीज़ें को यहाँ पे लिंक को डालेंगे यहाँ पे। इसके बाद दोस्त यहाँ पे नीचे में देखोगे कि यहाँ पे सोशल का बटन आता है, तो अगर इसके अंदर कोई चेंजेस करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। और यहाँ पे सोशल का शॉप का ऑप्शन आ जाता है, जो कि शॉप वाला सेक्शन को अगर आप चेंजेस करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। और यहाँ पे लिस्ट के अंदर जो आता है ना फुटर मेन्यू है, तो यहाँ पे इन लोगों ने ऐड कर रखा है। और यहाँ पे सपोर्ट का ऑप्शन आता है, तो जो भी चीज़ें आप यहाँ पे इसके बदले अगर कुछ और भी चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को यहाँ पर और भी चीज़ें मिल जाता है, जो कि मेन्यू मिल जाता है और यहाँ पे होम पेज का सेटिंग मिल जाता है। तो आपने को यहाँ से इतना ही सेटिंग करना है, बाकी सारे जो चीज़ें हैं जो बाकी सेटिंग्स है हम लोग अंदर से करेंगे। तो यहाँ पे इसको कट कर लेते हैं। और ये सारे चीज़ जो डिज़ाइन है ना एलिमेंटर से डिज़ाइन हुआ है। तो अब अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर चलते हैं। अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड के अंदर आने के बाद दोस्तों ये जो एरर आ रहा है ना, चलो इस एरर को हम पहले फिक्स कर लेते हैं। तो इसके लिए दोस्तों अपने को प्लगइन सेक्शन पे आना है और यहाँ पे इंस्टॉल प्लगइन के अंदर हम लोग चलते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे जो होस्टिंगर वाला प्लगइन है ना, इसको सिर्फ हम एक्टिवेट कर देंगे तो ये जो एरर है ऊपर में ये आना बंद हो जाएगा यहाँ पे। तो मैंने इस प्लगइन को एक्टिवेट किया और यहाँ से एरर जो था वो गायब हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से प्लगइन को एक्टिवेट करना है। तो यहाँ पे WooCommerce को कर लेना है और यहाँ पे बाकी सारे प्लगइन्स यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। जो प्लगइन इंस्टॉल नहीं हुआ होगा उस प्लगइन को हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने WooCommerce पे एक्टिवेट पे क्लिक किया था। इसके बाद WooCommerce का जो प्लगइन है उसका यहाँ पे कस्टमाइज करने का सेटअप आ चुका है। तो यहाँ पे सेटअप माई स्टोर पे क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ इस तरह से हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना एड्रेस जो है यहाँ पे डिटेल्स हमने को फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। आपका जो भी जियो लोकेशन होगा यहाँ पे ले लिया मेरा जियो लोकेशन। उसके बाद यहाँ पे जो रिक्वायर्ड जो चीज़ें हैं यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ अगर आप चाहें तो ये बूस्टर वाला जो ऑप्शन है, तो अगर आप ऐड और चलाना चाहते हैं तो आप इनको इनेबल ही रखिए और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे जो अपना WooCommerce के जो रिक्वायर्ड दो चार प्लगइन्स है वो ऑटो इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हम लोग WooCommerce का जो सेटिंग्स है उसको हम लोग सेटिंग्स को देखेंगे। हम लोगों को डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना है ना, तो उसके लिए हम लोग हर एक चीज़ इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो बहुत लंबी होगी क्योंकि वीडियो के अंदर हर एक चीज़ कवर करने में समय लगता है दोस्त, तो आपको पेशेंस रखना है। और इस वीडियो को प्रॉपर देखने के बाद मैं गारंटी देता हूँ कि आप खुद से अपने लिए डिजिटल स्टोर बना सकते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट बना सकते हैं। तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है बिना स्किप किए। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है कि अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना अकाउंट Jetpack के ऊपर क्रिएट नहीं करने वाला, यहाँ पे नो थैंक्स पे क्लिक कर देता हूँ। आपको क्लिक करना है यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे Jetpack का अकाउंट है तो आपको क्रिएट कर लेना है। ओके दोस्त, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमने थैंक्स पे क्लिक कर दिया। और यहाँ पे WooCommerce का कुछ सेटिंग्स है जो कि अपने को करना जरूरी होता है। यहाँ पे सेटिंग्स पे हम लोग क्लिक करेंगे WooCommerce का। इसके बाद दोस्त अपने स्टोर का जो भी लोकेशन है आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अपने को आना है, नीचे माना है और यहाँ पे इंडियन रुपीज़ ऑटो सेलेक्ट हो चुका है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने जियो लोकेशन को इनेबल कर रखा है। तो यहाँ पे ऑटो जो हम लोगों का करेंसी है सेट हो चुका है इंडियन रुपीज़। अब यहाँ पे आप अगर ऊपर देखोगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स के अंदर हम लोग जो भी प्रोडक्ट हम लोग सेल करने वाले हैं वो डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग ही वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट्स का एक ऑप्शन आता है, ये सारे ऑप्शन आप छोड़ सकते हो। और यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर कोई सेटिंग्स आपको करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। अब यहाँ पे जो भी अगर बंदा हम लोगों का प्रोडक्ट बाय करेगा तो उसको फोर्स यहाँ पे डाउनलोड वाला जो बटन ऑप्शन है ना, इसको हम लोग रहने देंगे, क्योंकि अगर कोई चेकआउट करता है तो उसको एक डाउनलोड का लिंक मिलेगा जहाँ से वो यूजर जो भी डेटा हम लोग देंगे, जो भी डिजिटल प्रोडक्ट देंगे उसे को डाउनलोड करेगा। इसके बाद दोस्त इसके अंदर आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे अप्रूव डाउनलोड डायरेक्शन,
तो ये सब सेटिंग्स अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग्स है उसको हम लोग रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे शिपिंग्स का ऑप्शन आता है, जो कि शिपिंग्स के लिए हम लोगों को कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट हम लोगों को शिप नहीं होते हैं, डायरेक्ट डाउनलोड लिंक हम लोग देते हैं। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट्स का ऑप्शन आता है, उसके बाद यहाँ पे अकाउंट्स एंड प्राइवेसी का ऑप्शन आता है। ये सब जो सेटिंग्स है ना आगे हम लोग बाद में करते हैं, चलते हैं फिलहाल हमने होम पेज को देखते हैं। और यहाँ पे होम पेज को कस्टमाइजेशन करने के लिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपने होम पेज को कैसे कस्टमाइज कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक बार हम इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं, हम लोगों का जो होम पेज है। रिफ्रेश करने के बाद दोस्तों अपने को कुछ इस तरह का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इस तरह का ऑप्शन मिल रहा है, तो अब अपने को यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक कर देना है। एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करने के बाद दोस्त कुछ इस तरह का ऑप्शन शो होगा, तो यहाँ पे अपने को कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्त आप यहाँ पे आपको जो भी सेक्शन मिलता है ना, हर एक सेक्शन को आप एडिट कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो भी चीजें आप यहाँ से हटा सकते हैं, मान लीजिए कि अगर मैं इस वेबसाइट को डेमो के रूप में ले रखा हूँ, तो इस वेबसाइट का जो भी कंटेंट है ना मैं यहाँ से कॉपी करके डाल सकता हूँ। तो मान लीजिए कि यहाँ पे जो कंटेंट है कॉपी नहीं होगा, क्योंकि ये स्लाइडर के अंदर है। तो क्योंकि अगर आप हम कॉपी करने जाएंगे तो कुछ इस तरह से हो रहा है। तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं गेट योर वर्डप्रेस प्रीमियम थीम्स एंड प्लगइन्स। अगर मान लीजिए आपको वर्डप्रेस प्रीमियम थीम्स एंड प्लगइन्स सेल करना है, या तो अगर कुछ कोई अदर प्रोडक्ट सेल करना है, जो भी आपको डालना है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे सब चीज़ें आपको जो भी यहाँ पे चेंजेस करना है कर सकते हैं, और यहाँ पे जो बटन है इस बटन को भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे हर एक चीज़ को। और ये जो बैकग्राउंड इमेज है ना, इसको आपको क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक करना है, इस पर बैकग्राउंड वाला इमेज जो है ना एक बार वो गायब हो गया यहाँ से। तो फर्स्ट कंटेनर पे अपने को क्लिक करना है, और यहाँ पे स्टाइल वाले ऑप्शन पे आ जाना है, और यहाँ पे जो बैकग्राउंड वाला इमेज है ना इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो भी आप बैकग्राउंड इमेज देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। मान लीजिए कि मैं अगर ये बैकग्राउंड इमेज देता हूँ, आप डिजिटल प्रोडक्ट के लिए बनाएंगे वेबसाइट, तो डिजिटल प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज लगाएंगे। ओके दोस्त, यहाँ पे मैंने इसको कट कर दिया, तो मेरा बैकग्राउंड जो इमेज है यहाँ पे लग चुका है। अब यहाँ पे जो कंटेंट है ना, यहाँ पे इसका कलर अपने को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए कि अगर हम लोग एक कलर रखेंगे तो यहाँ पे चलेगा नहीं, क्योंकि ब्लैक है, इस पर दिख ही नहीं रहा है। तो इसको हम लोग व्हाइट कर देंगे, तो यहाँ पे स्टाइल पे आएंगे, और स्टाइल पाने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो कलर का टेक्स्ट कलर है ना इसको आप व्हाइट कर सकते हैं, या तो इसके ऊपर जो भी कलर शो हो आप उस कलर को यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आप हर एक चीज़ को चेंज कर सकते हैं, जो भी आपका टेक्स्ट है या जो भी आपको यहाँ पे जो भी डिटेल्स है हर एक चीज़ को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं टाइप अप नहीं करूँगा, क्योंकि देख दोस्त आपको पता होगा कि मेरे को ज़्यादा इंग्लिश नहीं आता है, मेरे को हिंदी ही आता है, इसलिए मैं हिंदी में वीडियो बनाता हूँ। ठीक है दोस्त, यहाँ पे इसलिए मैं हर एक चीज़ को टाइप नहीं कर सकता है, और यहाँ पे जो भी चीज़ मैं करता हूँ ना तो कॉपी पेस्ट करता हूँ, टाइप तो मैं नहीं करता, क्योंकि मेरे को स्पेलिंग भी याद नहीं होता है। अब इसके बाद मान लो कि ये सेक्शन आपको हटाना है या ऐड करना है, अगर इस सेक्शन को हटा देना है तो यहाँ पे कट कर दो, तो यहाँ पे ये सेक्शन गायब हो गया। अगर मान लो कि अगर आपने गलती से इस सेक्शन को हटा दिया, तो आप कंट्रोल जेड करोगे तो ये सेक्शन जो कट हुआ था वो सेक्शन यहाँ पे ऑटो आ जाएगा, जैसे दोस्त आप देख पा रहे हो। अब इस वेबसाइट पर मान लो कि ये जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट ऐड है, तो आप भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने इसको कॉपी किया, और यहाँ पर हम एक सेक्शन को ऐड कर लेते हैं, और यहाँ पर टाइटल लेंगे। टाइटल लेने के बाद दोस्त यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे एक कंटेनर के अंदर से हम लोग टाइटल को ले लेंगे, और यहाँ पे मैं हम लोग की मैंने बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कर दिया, और यहाँ पे इसको सेंटर कर लेंगे। तो इसके लिए दोस्त यहाँ पे क्लिक किया और सेंटर कर लिया, और इसका कलर आपको ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कलर कौन सा रखना चाहते हो, मान लो कि रेड रख दिया कुछ इस तरह से। उसके बाद दोस्त यहाँ पे जो ये सेक्शन आ रहा है, फिर से यहाँ पर प्लस वाला सेक्शन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, एक कंटेनर लेंगे। इसके बाद दोस्त यहाँ पे क्लिक करेंगे, और इसके अंदर हम लोग प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सर्च कर लेंगे प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे प्रोडक्ट्स आपने सर्च किया है, तो दोस्त आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन है ना यहाँ पे लॉक है। लॉक इसलिए है क्योंकि हम लोगों के अंदर जो एलिमेंटर इंस्टॉल है ना वो फ्री वाला इंस्टॉल है। अब यहाँ पे हम लोगों को एलिमेंटर को प्रो वाला इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो प्रो वाला इंस्टॉल करने के लिए दोस्त आपके पास एलिमेंटर प्रो होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपके पास एलिमेंटर प्रो नहीं है, तो दोस्त आपको क्या करना है कि यहाँ पे थीमराजा की वेबसाइट पर आ जाना है, और थीमराजा की वेबसाइट पर आने के बाद दोस्त आपको यहाँ पे एलिमेंटर प्रो आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको एलिमेंटर प्रो मिल जाएगा। अगर आपको लाइसेंस की चाहिए तो लाइसेंस की वाला भी मिल जाएगा, ऐसे जीपीएल वाला भी आपको मिल जाएगा, जो कि 99 रुपये में मिल जाता है। तो यहाँ पे एलिमेंटर हम लोग सर्च कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे एलिमेंटर पेज सर्च किया, तो यहाँ पे नीचे आने के बाद एलिमेंटर प्रो पेज बिल्डर यहाँ पे दिखता है, जो कि लेटेस्ट वर्जन है। तो इसको अपने को यहाँ पे हमें डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे दोस्त आप देखेंगे कि दो फाइल यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल रहा है। एक तो यहाँ पे प्लगइन्स मिल जाता है, और दूसरा यहाँ पे टेम्पलेट्स मिलता है। तो हमें टेम्पलेट्स अगर आपको चाहिए तो डाउनलोड कर सकते हैं, हमें यहाँ पे सिर्फ प्लगइन चाहिए। तो यहाँ पे प्लगइन्स वाले पे हमने क्लिक किया, तो यहाँ पे डाउनलोड होना ये शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे देखेंगे कि डाउनलोड हो रहा है, तो इसको डाउनलोड होने देते हैं। उसके बाद हम लोग अब चलते हैं दूसरा सेक्शन में हम लोग काम करेंगे। तो जो दूसरा सेक्शन है, इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि चूज प्लान का ऑप्शन है, तो हम लोग प्लान भी बनाएंगे कि मेंबरशिप भी बनाएंगे, कि हम लोग ये भी बताएंगे आपको कि मेंबरशिप हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे थीम्स और प्लगइन्स का ऑप्शन है, जो कि तीसरा सेक्शन है, तो इस सेक्शन को भी हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये सब एक्स्ट्रा चीज़ है, तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि ये सब चीज़ें हम लोगों को रखना नहीं है।
हम लोगों को तो सिर्फ अपने प्रोडक्ट को, डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करना है, तो इसके लिए जो भी सेक्शन है ये सब आप लोग यहाँ से हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं इसको। यहाँ से सारे सेक्शन को मैंने हटा दिया यहाँ से। ये फ्री शिपिंग और इसके अंदर हम लोग कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं, और इसके अंदर भी कुछ हम लोग यहाँ पे बैनर वनर लगा के इसको मॉडिफाई करके यूज कर लेंगे। तो इस सेक्शन को हम लोग रहने देते हैं, और यहाँ पे जो कैटेगरी वाला ऑप्शन है ना, तो इसको भी हम लोग नहीं रखना चाहते हैं, तो इसको भी हम लोग यहाँ से डिलीट कर दिए। मान लो कि हम लोग यहाँ पे अब दूसरा सेक्शन यूज करेंगे, जो कि हम लोगों का जो होगा थीम्स और प्लगइन्स का। तो यहाँ पे मैं टाइटल को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे टाइटल को रख लेता हूँ, और यहाँ पे सब चीज़ें को मैंने किया, और यहाँ पे जो भी आप कलर रखना चाहते हैं सेम वैसे ही करेंगे, और यहाँ पे जो कलर रखना चाहते हैं कुछ इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक सेक्शन को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो मेरा थीम है, यहाँ पे मेरा नेट काफ़ी स्लो चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। मेरा मोबाइल का नेट है इसलिए थोड़ा स्लो चल रहा है। तो यहाँ पे बाकी सब चीज़ें हम लोग कर लेते हैं, और यहाँ पे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर ऐड है। और यहाँ पे कुछ इस तरह से वाई चूज थीम्स प्लगइन्स का ऑप्शन आ रहा है, तो कुछ इस तरह का हम लोग सेक्शन भी यहाँ पे बना लेंगे। तो यहाँ पे आएंगे और नीचे में आते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग नीचे बना लेंगे। अगर ये चीज़ें रखना है तो आप रख सकते हैं, ये सब आइकन के साथ है, तो अगर इसी के अंदर कोई एडिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिलहाल तो इस सेक्शन को मैं हटा ही देता हूँ यहाँ से, और जो भी सेक्शन है नीचे वाला सेक्शन है इस सेक्शन को भी मैं हटा ही देता हूँ, और इमेज वाला जो सेक्शन है इस सेक्शन को भी मैं हटा ही देता हूँ, मेरे को नहीं रखना है। ये वाला सेक्शन मेरे को पसंद आ रहा है, इस सेक्शन पे हम लोग कुछ कस्टमाइजेशन करके हम लोग इसके अंदर कोई चीज़ें ऐड कर लेंगे, आगे चल के ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद फिर से एक और सेक्शन लेते हैं, और यहाँ पे एक सेक्शन को मैंने दो सेक्शन ले लिया, और इसके अंदर हमने जो कॉपी करके लाया है मैंने देखता हूँ, और यहाँ पे इसको यहाँ पे रख देते हैं, और यहाँ पे इसको हम लोग सेंटर कर लेंगे। कुछ इस तरह से हमने सेंटर पे कर दिया, और यहाँ पे जो कंटेनर के अंदर जो है इसका जो इमोजी है, तो इस आइकन को भी हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और डाउनलोड कर लिया, और ये जो टाइटल है तो कुछ इस तरह से हम ले लेते हैं, और आगे चल के हम लोग अपना इसको सेटअप करते हैं। तो यहाँ पे हम प्लस के आइकन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे तीन सेक्शन वाला ले लेते हैं, और अब इसके अंदर हम लोग आइकन को यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे आइकन सर्च करते हैं, तो यहाँ पे आइकन और बॉक्स वाले ऑप्शन को हम यहाँ पे उठाएंगे। आइकन बॉक्स को हमने रख लिया है, अब यहाँ पे आइकन जो है ना इसको चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने के लिए वहाँ पे मनी का है, तो हम यहाँ पे मनी सर्च कर लेते हैं, और यहाँ पे मनी का आइकन बहुत सारा आ चुका है, तो यहाँ पे हम कोई एक ले लेते हैं और इंसर्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्त यहाँ पे जो टाइटल है, तो टाइटल की जगह पे हम लोग टाइटल डाल देंगे। तो हमने जो कंटेंट को कॉपी किया है, तो हम यहाँ पे टाइप तो नहीं करते भाई दोस्त, मेरे को इंग्लिश नहीं आती है, मैं बार बार बोलता हूँ कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती है। तो यहाँ पे बाकी का जो चीज़ है मैं यहाँ पे रख लिया, और यहाँ पे ये सब चीज़ें मैंने रख लिया। कुछ इस तरह से हमारा ये जो पहला बॉक्स है बन चुका है। अगर इसको कस्टमाइजेशन करना है तो आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, यहाँ पे कलर वलर चेंज है तो हम यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्त यहाँ पे स्टाइल पे आना है, और यहाँ पे इसको सेंटर में रखेंगे हम लोग। ये आइकन वाले बॉक्स के अंदर कोई चेंजेस करना है तो आप कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह से इसका कलर वलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्पेसिंग भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे कम स्पेस कर देना है हमें, और इसका साइज वाइज बढ़ाना तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पे, और यहाँ पे रोटेट वोटेट करना है तो उसको भी रोटेट आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंटेंट का ऑप्शन आता है, जो कि यहाँ पे कंटेंट के अंदर हम लोगों का जो टाइटल का कलर होता है उसको हम लोग, अगर आप रेड रखना चाहते हैं तो रेड रख सकते हैं, जो भी आपको रखना है आप रख सकते हैं। सॉरी यहाँ पे कलर थोड़ा सा चेंज हो गया, हमने ये कलर रख लिया। और यहाँ पे जो हम लोगों का जो टेक्स्ट का कलर है पैराग्राफ का, तो यहाँ पे पैराग्राफ वाले ऑप्शन पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे इसका कलर भी हम लोग ब्लैक कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ओके दोस्त, यहाँ पे रेड वाला सही, दोनों रेड हो गया। जो आइकन वाला कलर है इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे जो भी आप कलर देना चाहें आप दे सकते हैं। ओके दोस्त, उसके बाद यहाँ पे बॉक्स के अंदर कोई आपको कस्टमाइजेशन करना है तो भी कर सकते हैं, और इसके अंदर कोई शेड वोडर लगाना है तो इसको एडवांस में आ जाइए। एडवांस में आने के बाद यहाँ पे बॉर्डर वोडर लगा सकते हैं, बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं, इतना कर सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड करने के लिए दोस्त यहाँ पे इसको इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं, इसको हम लोग तीन बार डुप्लीकेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे तीन बॉक्स यहाँ पे आ चुका है, बाकी जो नीचे में आया है ना इसको हम लोग आगे चल कर डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अपडेट हमने कर दिया है, तो यहाँ पे मेरे को तीन सेक्शन मिल चुका है। अब तीनों के अंदर जो भी चेंजेस करना है वो सब चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पे ईस्ट वाले सेक्शन पर हम लोग क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आइकन वैसे ही दोस्त आप सर्च करके यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो मान लो कि ये जो सेफ्टी वाला आइकन है ना, तो इसको हम लोग सेफ्टी सर्च करेंगे तो शायद ये आइकन आ जाएगा। तो इसको हमने आइकन पे क्लिक किया और यहाँ पे सेफ्टी मैंने सर्च किया, तो यहाँ पे सेफ्टी के नाम से कोई आइकन नहीं है। तो उस तरह का आइकन हम लोग यहाँ पे ढूंढ सकते हैं, या तो हम लोग यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं। तो मान लो कि मैंने ये आइकन ले लिया और यहाँ पे आइकन को लगा दिया, तो यहाँ पे जो आइकन है ना ये सही नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए हम लोग स्टाइल पे आएंगे। तो यहाँ पे स्टाइल पे आने के बाद दोस्तों आप इसका कलर वाला चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए कि यहाँ पे तीसरा जो बॉक्स है, तो इसका भी सेम ऐसे ही हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पे डाउनलोड वाला अपने को आइकन लगाना पड़ेगा, तो इसके लिए इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे अपना टाइटल को डाल देते हैं, और यहाँ पे जो अपना डिस्क्रिप्शन इसका है तो उसको हम लोग उठाते हैं और यहाँ पे इसको डाल लेते हैं।
तो सेम दोस्त आप ऐसे ही अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज़ कर पाएंगे। और यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया जो आइकन है, तो इसको हम आइकन पे क्लिक करेंगे और आइकन पे आने के बाद हम लोग यहाँ पे डाउनलोड वाले आइकन को सर्च करते हैं। तो यहाँ पे डाउनलोड का आइकन मिल चुका है, तो यहाँ पे हम लोग ने इंसर्ट कर दिया इस डाउनलोड वाला आइकन को। अब इसका जो स्टाइल है ना, तो कुछ थोड़ा सा चेंजेस दिख रहा है अपने को, तो इसके लिए हम लोग स्टाइल पे आएंगे और यहाँ पे आइकन पे आएंगे और जो ये रोटेट है ना, इस रोटेट को हम लोग हटा देंगे यहाँ से। ओके दोस्त, यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं और मान लीजिए कि इसके नीचे अगर तीन और आइकन्स यहाँ पे दिख रहे हैं, तीन और चाहे तीसरी को हम लोग यहाँ पे डुप्लीकेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, या तो आप डुप्लीकेट नहीं करना है तो दोस्त अपने को क्या करना है कि यहाँ पे इस वाले सेक्शन को अगर मान लो कि हम लोग डुप्लीकेट कर लेते हैं कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे हम लोग तीन बार करेंगे तो यहाँ पर नीचे तीन और सेक्शन ऐड हो जाएगा, जिसके अंदर हम लोग चेंजेस करके हर एक चीज़ को यहाँ पे शो करा सकते हैं। अब इसके नीचे देखोगे कि FAQ लगा हुआ है, तो इस FAQ को भी हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पे FAQ को हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे और यहाँ पे ऐड करते हैं और यहाँ पे इस FAQ को यहाँ पे हम उठा कर रखते हैं और यहाँ पे मान लो कि FAQ मैंने डाल दिया और यहाँ पे स्टाइल पाते हैं और इसको सेंटर करते हैं और इसको कलर चेंज करना चाहते हो कर सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इंग्लिश और इंग्लिश आता होता नहीं है, तो हम लोग सही से बोल भी नहीं पाते हैं, तो यहाँ पे इसी को उठाना और यहाँ पे रख देना है। ओके दोस्त, तो कुछ इस तरह का ऑप्शन अपने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ये जो है ना सेक्शन, इन सब सेक्शन को हम यहाँ से कॉपी कर करके अपना सेक्शन बना लेंगे। अब यहाँ पे मान लो कि इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे ये जो है यहाँ पे डाल देंगे और ये सब जो चीज़ें मैं ऐसे कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को यहाँ पे टाइपिंग में प्रॉब्लम हुआ होगा तो इसलिए मैं डाल रहा हूँ। आप अपने हिसाब से अपना FAQ बना के डाल सकते हैं। तो मैं तो यहाँ पे जो भी बता रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, तो ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कैसे कर रहे हैं। तो सॉरी दोस्त, यहाँ पे कॉपी करने में मुश्किल हो रहा है। अब यहाँ पे और भी ऐड करना है तो कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐड कर लो, जितना आपको ऐड करना है कुछ इस तरह से कर सकते हो। और इसके बाद इसका कलर वलर को सेटिंग करने के लिए यहाँ पे टाइटल का अगर कलर कोई चेंजेस करना है, बैकग्राउंड कलर है, और यहाँ पे इसका कलर मेन कलर है, जो भी मेन कलर रखना चाहते हो वो सब यहाँ पे रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आइकन का आ जाता है कलर, छोड़ आइकन का, यहाँ पे कंटेंट का कलर रखता है, जो भी कंटेंट का कलर आप रखना चाहते हो तो यहाँ पे रख सकते हो कुछ इस तरह से। बैकग्राउंड कलर है, सॉरी यहाँ पे बैकग्राउंड कलर तो हम नहीं रख देंगे, यहाँ पे कंटेंट का कलर देंगे। तो मैंने यहाँ पे दे दिया, उसके बाद यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर दिया। तो मान लो कि मेरा जो सेक्शन है इतना काम हो चुका है, तो अपने होम पेज को एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पे अपने होम पेज को विजिट करते हैं और देखते हैं कि हम लोगों का जो होम पेज है किस तरह से बन चुका है। तो हम लोगों का जो होम पेज है कुछ इस तरह से बना है और यहाँ पे हम लोगों का इतना काम हो चुका है। और ये जो नीचे वाला जो चीज़ है इसको भी हम लोग कस्टमाइज़ करेंगे और यहाँ पे भी टॉप में भी कुछ इमेज हम लोग लगाएंगे, अच्छा से इमेज लगाएंगे जो कि डिजिटल प्रोडक्ट के लिए हो। और इस सब सारे चीज़ हम लोग बताएंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो अगर देखेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इसलिए अब इस पार्ट को यहीं पर क्लोज करेंगे। तो दोस्त आप नेक्स्ट पार्ट का इसका वेट कर लीजिए और नेक्स्ट पार्ट में हर एक चीज़ बता देंगे आप, आपको हम गारंटी देते हैं कि आप ये जो फर्स्ट पार्ट अगर कंप्लीट देखे होंगे और नेक्स्ट पार्ट आप देख लेंगे तो आप खुद से ही डिजिटल डाउनलोडिंग प्रोडक्ट साइट बना सकते हैं। तो इतना आप अभी तक सीख चुके हैं और आपको इतना अपने वेबसाइट में काम कर लेना है। और नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ, तब तक के लिए दोस्त जय हिंद, टेक केयर दोस्तों।